आज ये वाला मैच हम फिर से जीतने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, वो प्लेयर यहाँ पे जरूर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने के चांस है। अब बारिश अगर होगा तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको यहाँ पे चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। ये तीन वो प्लेयर जिनको सारे के सारे लोग अपनी टीम में ले रहे हैं। लेकिन अगर मानो कि 5 ओवर का मैच होगा या 10 ओवर का मैच होगा, या फिर कोई एक टीम ऐसी होगी जो कि 20 ओवर पूरा खेले, दूसरी टीम ऐसी हो जो 5 ही ओवर खेले या 10 ही ओवर खेले, तो ये तीन वो प्लेयर जो कि मेनली बारिश का यहाँ पे शिकार होंगे। अगर यहाँ पे बारिश की वजह से कम ओवर के मैच होंगे तो ये तीन वो प्लेयर हैं जिनको सब ले रहे हैं, लेकिन फिर ये तीन वो प्लेयर हैं जो कि यहाँ पे फ्लॉप होते हुए आपको नजर आएंगी, क्योंकि ये तीनों वो प्लेयर हैं जो कि मेनली बल्लेबाजी में भी काफी नीचे आती हैं और फिर बॉलिंग करते हुए भी इनका कोई कन्फर्म नहीं है कि कब बॉल कितने ओवर मिल पाएंगे। तो इसी वजह से ये तीन प्लेयर को अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, ये तीनों में से कोई ना कोई एक ऐसी प्लेयर होगी जो कि बहुत बुरा फ्लॉप होगी, कोई एक होगी जो कि एवरेज रहने वाली है, बाकी दोनों को भी आप ले सकते हो। सबसे जरूरी है सैफ अली, एल वॉरवॉक और यहां से पूजा वशाकर, दीप्ति शर्मा, मरिसेन कैप, ये पांच वो प्लेयर है जिनको लेना ही लेना है। बारिश हो कुछ हो, इनको लेना जरूरी है, क्योंकि पूजा वशाकर ने इसी वेन्यू पे चेन्नई के चिदंबरम में काफी गजब की बॉल किया है। दीप्ति शर्मा, अगर सामने वाली टीम रन बनाने को जा रही है, वहां पे दीप्ति शर्मा अच्छा बॉल करेगी और अच्छी बॉलर भी है। चेन्नई के इस वेन्यू पे स्पिनर की बॉल कहीं ना कहीं जो बॉलर थोड़ा सा बॉल पीछे फेंक रहे हैं, जो बॉलर थोड़ी सी बॉल को शॉर्ट रख रहे हैं, वो यहाँ पे अच्छी बॉल कर पा रहे हैं। पहले मैच में राधा ने अच्छी बॉल किया, लेकिन दूसरे मैच में फ्लॉप हुई है। श्रेयंका पहले मैच में कहीं ना कहीं हड़बड़ी में नजर आई, जितनी अच्छी बॉल इसने आईपीएल में किया, जितनी अच्छी बॉल इसने बांग्लादेश वाली सीरीज में किया, उतना अच्छा बॉल इसने पहले मैच में किया नहीं है। पहले मैच में नजर आया कि ये कहीं ना कहीं नर्वस थी। अगर आपने मैच को लाइव देखा होगा, 19वें ओवर की बॉल पे आखिरी जो बॉल थी वहां पे इसको क्लीन बोल्ड मिला, वो भी खराब बॉल पे। उस बॉल को बल्लेबाज कहीं भी ये बोस को खेल सकती थी, लेकिन खराब बॉल पे इसको विकेट मिला है, यानी कि कोई इतनी सही बॉल किया नहीं है। मैं अभी राधा यादव को लेकर के चलूंगा। यहां से मैं आपको कहूंगा टीम ब्रिस को लेकर के जरूर चलेंगे, क्योंकि मेनली 20 ओवर की प्लेयर है। वैसे तो वुमेन्स में कई बार कैच वगैरह छोड़ते ही रहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भाई पूजा वशाकर के 20वें ओवर में भी जे रॉग्रिस ने कैच छोड़ा है ना, पहले मैच तो हजारों मतलब बहुत सारे कैच छोड़े। टीम ब्रिस का जो स्टंपिंग था वो उमा छेत्री ने ग्लव्स जो आगे ले आई बॉल पकड़ने में, वहाँ पे नो बॉल हो गया, वरना ये 4 रन पे अपना विकेट दे के जा चुकी थी। सैफ अली वर्मा लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने के चांस है। अगर यहाँ पे मौसम एकदम साफ होगा और अगर अपने एरिया वाले पहले बॉल करेंगे वहां पे, फिर मैं सैफ अली को ना लेके हरमन को ले लूंगा। लेकिन अगर बारिश होने के चांस होंगे, कहीं अगर मैच कम ओवर का हुआ वहां पे, फिर हरमन की चांस आएगी कि नहीं आएगा, चांस मिलेगा भी तो कितने रन बनाने को चांस मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं। और हो सकता है कि टीम इंडिया हार भी जाए, वहां पे भी हरमन फ्लॉप हो सकती है, इसलिए मैं फिर वहां पे जे रॉग्रिस और सैफ अली वर्मा को लेकर के चलूंगा। उमा छेत्री जो प्लेयर है बल्लेबाजी में भी रन बना सकती है। जाफना जो है बल्लेबाजी में आधुए नंबर करीब आएगी, वो भी कन्फर्म नहीं है, यानी कि बल्लेबाजी में कन्फर्म है कि इसकी चांस नहीं ही आएगी, लेकिन उमा छेत्री आपको बल्लेबाजी में रन बना सकती है, इसीलिए मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ से बॉलर्स में अभी के लिए मेरे ये 10 प्लेयर करीब करीब कन्फर्म है। अब जो मेरा यहाँ पे 11वां प्लेयर रहेगी उसमें आप कर ये सकते हो कि सैफ अली को ना लेकर के हरमन को ले लो, है ना, एक ये चेस। यहां पर राधा यादव को ना लेकर के श्रेयंका पाटिल को ले सकते हो। यहां से एंडी क्लर्क और सी ट्रायन में से मैं किसी एक ही को लूंगा। मैंने सी ट्रायन को लिया है क्योंकि बारिश होने के चांस है, और अगर यहां पे बारिश होगा तो सी ट्रायन जो है एंडी क्लर्क से बल्लेबाजी में भी ऊपर आ रही है, और सी ट्रायन जो प्लेयर है वो स्पिनर, और स्पिनर की बॉल यहाँ पे स्पिन भी हो रही है, तो चेन्नई के चिदंबरम में स्पिनर बॉलर को आपको और भी प्रेफर करके चलने की कोशिश करना चाहिए। और सी ट्रायन इस समय दूसरे प्लेयर्स के हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि अभी इंजरी से वापस आई है, खेलने का पूरा जज्बा रहेगा, वहाँ पे अच्छा करके दे सकती है, इसीलिए मैंने अभी सी ट्रायन को लिया हुआ है। अभी के लिए मैंने इस तरीके की टीम बनाई है जिसमें मैं अपनी टीम में कैप बना करके चलूँगा, मरिसेन कैप को। क्यों? क्योंकि आखिरी मैच जो हुआ है ना, वहाँ पे जब ये प्रैक्टिस कर रही थी मैच शुरू होने से पहले, वहाँ पर देखा ये गया कि इसने 2 ओवर 3 ओवर ऐसे बॉल फेंकने की भी प्रैक्टिस की, यानी कि अब जो है इंजरी जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, कभी भी बॉलिंग से ओवर कर सकती है।
और इस वाले मैच में बॉल करने के चांस और भी अच्छे रहेंगे, इसलिए मैं मरीजेन कैप को कैप बना करके चल रहा हूँ। और बल्लेबाजी में भी फॉर्म में है, बल्लेबाजी में भी रन बना रही है, इसी में स्मृति मंदाना को लेकर के चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे बारिश होने के चांस है, अगर अपने इंडिया वाले पहले बॉल कर रहे हैं, वहाँ पे दीप्ति शर्मा भी आपके लिए वीसी के लिए एक अच्छी प्लेयर रहेगी, क्योंकि पहले बॉल में होगा ये कि दीप्ति शर्मा को कंफर्म है कि 4 ओवर पूरा मिल जाएगा, लेकिन फिर कंफर्म नहीं है कि स्मृति मंदाना को 5 ओवर खेलने का मौका मिलेगा या 10 ओवर या फिर 20 ओवर पूरा। तो इसीलिए ये चेंज आप करके जरूर से चल सकते हो। स्मृति मंदाना भी इस सीजन में काफ़ी रन बनाई है, 2 मैच में सेंचुरी बनाई 50 ओवर के मैच में, 10 मैच में भी 100 बना करके आ रही है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। अभी के लिए मैंने ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी मैं टॉस होने के बाद अपने इसी वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपनी फाइनल टीम आपको भेजूंगा। हमारे इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पिन किया मिलेगा, अभी के अभी फ्री में ज्वाइन हो सरा, 40,000 के करीब लोग ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सर। यहीं पे जिस मैच में अपने पैसे लगाऊंगा उसकी फाइनल टीम आपको भेज दूंगा। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लग रहा हो, अगर आपको नॉलेज मिला हो कुछ भी, अगर आपको फैंटेसी में पैसे कमाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जो भी मैच यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, कई सारे लोग उन मैचेस में जीएल भी विन कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने कई बार आपको टीम बना करके जिस मैच जीएल के लिए अच्छा मैच है वहाँ पे जीएल के भी कई सारे प्रेडिक्शन दिए हैं, ये वाला मैच आपके लिए जीएल के लिए कोई इतना सही नहीं है, इसीलिए मैंने जीएल के लिए आपको कुछ बोला नहीं। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।